मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बड़ा दाव शब्द ठीक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा कदम उठाया है उन्होंने, परिवार को तोड़ा है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। समाज की नाराज़गी उन्होंने मोल ली अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी के मरने के बाद उनकी पीठ पर खंजर भोंका है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि जब उन्होंने इतनी बदनामी मोल ली, इतना कुछ उन्होंने झेला, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। पर इसमें बस एक टेक्निकल मैं जानकारी आप लोगों के समक्ष जरूर रख दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके पांच सांसद, उनके चार और सांसदों के साथ। और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है, पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है, इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी, उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। और पार्टी के सांसद होने के नाते गठबंधन दल की परंपरा हमेशा ये कहती है कि अगर आपको अगर किसी अपने सहयोगी से पार्टी से सांसद को मंत्री बनाना है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक बार चर्चा ज़रूर करते हैं। 2014 में भी ये चर्चा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी, 19 में भी ये चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी, और आज की तारीख में भी अगर किसी को संदेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का नाम किसका है या सिंबल किसके पास है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं कि कृपा करके चुनाव आयोग जाएं उसमें जाकर, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ वहां पर इस बात को बोला है कि भैया मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, भैया आप सिंबल पे आप क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ना कि भाई पार्टी मेरे नाम पर आप कीजिए, पर वो हिम्मत ही नहीं है, इनको पता है कि इनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन नहीं है, इनको पता है कि 95% पार्टी आज की तारीख में मेरे साथ है, 66 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गलत बैठक इन्होंने बुलाई वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए मिनिमम ऑफ 30 मेंबर्स का कोरम होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए, कोरम को कंप्लीट करने के लिए 30 सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य है। आप बताएं ना कि भैया बंद कमरे में जो आपने बैठक की कितने लोग थे आपके पास और कौन लोग थे वो, तो इसीलिए चुनाव आयोग में भी आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा एतराज होगा, और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। स्वतंत्र सांसद के तौर पर आप इनको मंत्री बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा लें, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लें, उस कोटे से मंत्री बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है।